नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को 11 मार्च को देश भर में लागू कर दिया गया है। इसको लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर तैनात कर दी गई है। कानून लागू होने के बाद कई लोगों ने इस कानून को समझा और इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग खुलेआम इसका विरोध भी कर रहे हैं। आपको बता दें, CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण लिया हुआ है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसकी नागरिकता छीनने का कोई भी प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं बताया जा रहा है। इसी बीच संवेदनशील माने जाने वाले बरेली जिले के मौलाना ने CAA का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए इस कानून का स्वागत किया है। आइए देखें। वहीं भारत सरकार ने सोमवार को देश में CAA लागू कर दिया है। CAA कानून पर 2019 में देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। भारत के बाहर से भी कई देशों और संगठनों ने इस पर एतराज जताया था। अब इस कानून को लागू कर दिया गया है। भारत सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें, पाकिस्तान के यूट्यूबर और राजनीतिक टिप्पणीकरण कमर चीमा ने कहा है कि इस कानून को लागू कर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने अपनी दिशा दुनिया के सामने स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो अपनी तरह से ही आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, कमर चीना ने अपने एक वीडियो में कहा है, पाकिस्तान तो मौजूदा भारत सरकार के निशाने पर है। अमित शाह ने CAA पेश करते हुए भी पाकिस्तान को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ हाल ही में राम मंदिर बनाया गया है, उनके भाषण वगैरह भी उसी तरह के हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी एक खास किस्म से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक दिशा तय की है जो हिंदू राष्ट्र की है और उस तरह की नहीं है जो भारत की अब तक रही है। चीमा ने अपने वीडियो में यह भी कहा है कि CAA के आने के बाद बांग्लादेश से भी भारत के रिश्ते बिगड़े थे, जो उनका एक अहम पड़ोसी है। दोनों देशों में तैनाती हो गई थी। कई दूसरे पड़ोसियों और दुनिया के दूसरे मुल्कों ने भी इस पर हैरत जताई है। बहुत शोर मचा, लेकिन अब ये लागू हो गया तो इससे कुछ भी चीजें समझ में आती हैं। इसमें सबसे अहम तो ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ये तय कर लिया है कि हम अपनी हिंदूवादी समझ से आगे बढ़ेंगे। साथ ही वो अपने लोगों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमानों की जगह पहले की तरह नहीं है। उन्होंने अपने मुल्क की एक डायरेक्शन सेट कर दी है। उनकी पार्टी ने एक पोजीशन ले ली है। इंडिया का लिबरल तबका और दुनिया का एक हिस्सा इसको गलत समझता है, लेकिन मोदी सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता। उनके पास नंबर है, चुनाव जीत कर आए हैं तो वो अपनी नीतियां लागू कर रहे हैं। कमर चीना ने आगे ये भी कहा कि जब CAA आया तो पश्चिम के देश बड़े हैरत में थे कि इंडिया में सेक्युलरिज्म है, वहाँ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब दुनिया ये समझने लगी है कि चीजें बदल गई हैं। CAA पर 2019 में दुनिया ने जैसे हैरत जताई थी, अब शायद उसी तरह की चीजें नहीं होंगी। अब दुनिया ने मान लिया है कि भारत पहले की तरह डेमोक्रेटिक नहीं है, अब वहाँ अलग तरह की सरकार है। कमर जीना ने कहा है कि कोई उनको क्या कह सकता है, उनकी लोगों की चुनी हुई सरकार है। अगर चुनी हुई सरकार हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहती है तो उनको कौन रोक सकता है। कमर ने दावा किया कि भारत अब 10 साल पहले का देश नहीं है और RSS के लोग सत्ता में रहे तो आने वाले 10 साल में भारत बिल्कुल अलग होगा। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।